सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के सामने बताऊंगा आप लोग कैसे MIUI 13 का यहां पर देख सकते हो वॉल्यूम बटन, आप कैसे आपको MIUI 12 में आपको इजीली इसको अवेलेबल कर सकते हो। तो कैसे आप लोग जानते हो मेरे फ़ोन में Redmi Note 7 है, खूब मैंने OTA अपडेट के थ्रू MIUI 12 का अपडेट किया था। तो गाइज़ इसको हर MIUI 12 के फ़ोन में इसको ईजिली अनइंस्टॉल कर सकते हो, कैसे करना है उसके बाद। और एक फीचर मिलता है इसका डार्क थीम 3.0, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले में जब जाती हूँ यहाँ पर देख सकते हो डार्क थीम मिल रहा है यहाँ पर 3.0 भाषण, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सारे कुछ बताऊँ। सो गाइस इस वीडियो शुरू से देखना, जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे बंदे वीडियो को देखते हैं थोड़ा मोड़ा देखने के बाद कट कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो शुरू से नहीं देखोगे तो आप काम बिल्कुल नहीं करने वाला हो। तो गाइस देखते हैं सोदा, चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसे कुछ होता है। तो चलते हैं सोदा स्क्रीन के ऊपर इंस्टॉल कैसे करते हैं वही बात करें। तो उसी विषय यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फाइल में जाना है, तो मैं बेसिकली डाउनलोड कर चुका हूँ, उसके बाद सिंपल से इंस्टॉल कर लेते। पहले मैं कंट्रोल यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम कंट्रोलर को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते, थोड़ा सा लोडिंग होता है गाइस, तो वेट कर लेते हैं। तो आप भी कोई सा भी यहाँ पर फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन MIUI 12 का फ़ोन है गाइस, इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा लग सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस देख सकते हो मेरे को इंस्टॉल हो चुका है, मैं सिंपल से बैक कर दूंगा। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोलर को इंस्टॉल हो चुका है, दूसरा यहाँ पर सेटिंग को ऑप्शन को इंस्टॉल कर लेना। और गाइस इस सारे एप्लीकेशन का दोनों एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत सारा MIUI का टिप्स एंड टिप्स वीडियो ऊपर में कर दे दूंगा, वो वीडियो भी जाके देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाले। तो सिंपल से देख सकते हो मैं सिंपल सा यहाँ पर डार्क थीम 3.0 का यहाँ पर इंस्टॉल कर चुका हूँ। थोड़ा सा लोडिंग होता है गाइस, यहाँ पर इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो इंस्टॉल स्टार्ट हो, मैं सिंपल से यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं दिखा देती हूँ कैसे होता है गाइस। तो सिंपल से उसके बाद मैं कैसे, तो सिंपल से मैं वॉल्यूम बटन पर क्लिक करते हो, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर वही वाली वॉल्यूम बटन आ चुका है, कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है गाइस। तो उसके बाद डार्क थीम दिखा देती हूँ कैसे होता है। तो मैं सिंपल से सेटिंग में जाता हूँ, उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले में जाता हूँ जब, उसके बाद देख सकते हो लाइट मूड एंड डार्क मूड, इसको डार्क थीम 3.0 भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा है गाइस, इसको इनेबल करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा ले सकते हो। MIUI 13 का आने वाला अपडेट में इसको मिलता है, लेकिन पहले से आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइस बहुत सारे बंदे को प्रॉब्लम होती है, उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो कैसे अनइंस्टॉल करना है दिखा देती हूँ। तो सिंपल से उसको अनइंस्टॉल करने के लिए, तो सिंपल से यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऐप्स बोलकर एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल्स आ जाएगा, उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद देख सकते हो शो ऑल ऐप्स, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर लिखना है कंट्रोल, तो कंट्रोल लिखना है यहाँ पर सिंपल सा। तो कंट्रोल लिखने के सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से नीचे देख सकते हो सिस्टम MIUI कंट्रोल्स, इसका तरह से ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अनइंस्टॉल अपडेट, उसके ऊपर आपको सिंपल सा तरीके से अनइंस्टॉल कर देना है, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा वाली को आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर सेटिंग को, डार्क थीम तो अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल से सेटिंग लिखना है, CD/VT लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पहले वाली आ चुका है, यहाँ पर सिंपल से क्लिक करना, उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पर इस तरह से वाली को आपको सिंपल से अनइंस्टॉल कर देना। तो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ मैं फटाफट से यहाँ पर, उसके बाद आपको इजीली अनइंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप काफ़ी आसान तरीके से आपकी वही वाली यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में आ जाओगे। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, आप कैसे MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगा तो जोर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कैसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड टिप्स मैं डेली लाता रहता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।